उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रवासी मजदूरों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार से बेहद खफा हैं। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस शासित राज्य और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को भी चेतावनी दी है कि मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार न किया जाए और यूपी के मजदूर अगर दूसरे राज्यों में हैं तो उनकी वापसी का इंतजाम किया जाए। इसके साथ ही यूपी के सीएम ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे महाराष्ट्र जैसे राज्यों का बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि अब इन राज्यों में यूपी के मजदूर बिना सरकार की अनुमति के नहीं जा सकेंगे। सीएम योगी ने अलग अलग प्रदेशों से लौटे प्रवासियों को रोजगार देने के लिए प्रवासी कमीशन का गठन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के प्रवासियों को रोजगार देने के इच्छुक दूसरे राज्यों को यूपी सरकार की मंजूरी लेनी होगी और इसके बाद ही वो दूसरे राज्यों में काम करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में प्रवासी आयोग बनाया जाएगा जो घर लौटे मजदूरों को उनके कौशल के अनुसार उन्हें रोजगार प्रदान करेगा। श्रमिकों की स्किल मैपिंग की जा रही है। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि स्किल मैपिंग में मिले डेटा के आधार पर श्रमिकों और कामगारों को अलग अलग सेक्टरों में लगाने का प्रयास शुरू कर दिया जाए। बताया जा रहा है कि कृषि विभाग और दुग्ध समितियों में ऐसे श्रमिकों व कामगारों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मजदूरों को राज्य स्तर पर बीमा का लाभ देने की व्यवस्था की जाए, इससे उनका जीवन सुरक्षित हो सकेगा। ऐसी कार्य योजना की जाए जिससे उनको जॉब सिक्योरिटी मिल सके। योगी आदित्यनाथ की माने तो प्रवासी मजदूरों की ही बदौलत महाराष्ट्र और दूसरे राज्य इतने समृद्ध हैं, लेकिन कोरोना के दौरान इन राज्यों ने मजदूरों को सड़क पर ला खड़ा कर दिया, जिसके बाद योगी ने मजदूरों के लिए ऐसा फैसला किया है। उधर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही उद्धव ठाकरे को हिदायत दी थी कि मजदूरों को महाराष्ट्र से जाने न दिया जाए, क्योंकि कोरोना के बाद मजदूर नहीं रहेंगे तो फैक्ट्री और दूसरे काम कैसे होंगे। लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे की लापरवाही से राज्य में गंभीर संकट आ सकता है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में साधुओं की हत्या पर उद्धव सरकार सवालों के घेरे में है। राज्य की पुलिस पहले ही कटघरे में है और एक एक कर साधुओं की हत्या हो रही है। गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने अपने ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर नांदेड़ मामले को उद्धव सरकार चोरी का मामला बताने में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता संजय निरुपम के ट्वीट के बाद सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट किया है कि देश में साधु संन्यासियों की निर्मम हत्या का एक खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। ताजा घटना है नांदेड़ की। आश्रम में घुसकर एक लिंगायत साधु की हत्या कर दी गई। इन घटनाओं की गहराई में जाना जरूरी है, कहीं एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत तो ये हत्याएं नहीं हो रही हैं। इससे पहले पालघर में भी बच्चा चोरी के शक में दो साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। उस मामले में भी महाराष्ट्र पुलिस के हाथ खाली हैं और मुख्य आरोपी अभी फरार है। पालघर मामले में किसी एनसीपी नेता के करीबी का हाथ बताया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने अभी ऐसे किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। महाराष्ट्र में इन दिनों कांग्रेस और शिवसेना में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस उद्धव सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। एमएलसी चुनाव में भी कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ ही उम्मीदवार उतार दिया था, हालांकि बाद में वो पीछे हट गई। उधर प्रवासी मजदूरों के पलायन पर भी कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे को आड़े हाथ लिया और इस बार नांदेड़ मामले पर निरुपम के ट्वीट से घमासान मचना तय है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस में शीत युद्ध जारी है। मायावती कांग्रेस के पीछे ऐसे पड़ी हैं जैसे वो कांग्रेस से वर्षों पुराना कोई हिसाब बराबर कर रही हो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रवासी मजदूरों पर सियासत कर यूपी में अपना वोट बैंक तैयार कर रही हैं। कांग्रेस की ये चाल मायावती को पसंद नहीं आ रही है, लिहाजा वो राहुल, सोनिया और प्रियंका को टारगेट पर ले रखी हैं। अब मायावती का कांग्रेस के साथ ऐसा बर्ताव कांग्रेस नेताओं को भी पसंद नहीं आ रहा है। गांधी परिवार के चमचे मायावती के पीछे पड़ गए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा है कि कांग्रेस लोकतंत्र की वजह से लंबे समय तक सत्ता में रही। सिंह ने कहा कि लोगों की ताकत और लोकतंत्र के चलते कांग्रेस की आजादी के बाद से सबसे ज्यादा समय तक सरकार रही। उन्होंने कहा कि मायावती जी को भी जनता का आशीर्वाद मिला, वो भी सत्ता में आई, आज वो बुरी स्थिति में है। इसीलिए किसी की सरकार को दोष देना लोगों के खिलाफ बोलना है। अंबेडकर साहब संविधान के निर्माता थे, उन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, जिनके नाम पर मायावती जी इन दिनों राजनीति करती हैं। इससे पहले मायावती ने कहा था कि केंद्र और अधिकांश राज्यों में लंबे समय तक स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस सत्ता में थी। जब लोगों के लिए अपने आसपास के स्थानों में रोजगार के कोई अवसर नहीं थे तो लोग दूसरे राज्यों या शहरों में जाने लगे।
दरअसल मायावती प्रवासी मजदूरों पर कांग्रेस की चाल को अच्छी तरीके से समझती हैं, क्योंकि मजदूरों पर कांग्रेस सियासतकार मायावती की जमीन खिसकाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए दोनों पार्टी आमने सामने है। उधर मायावती इन दिनों बीजेपी की भाषा भी बोल रही है, ये भी कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना से बुरा हाल है। कोरोना के बढ़ते मामले ने सीएम उद्धव ठाकरे की चिंता बढ़ा दी है। राज्य में अब आम लोगों के साथ साथ पुलिस कर्मी और नेता भी कोरोना के चपेट में आ रहे हैं। हालात बेकाबू होता देख सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और उद्धव ठाकरे सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वो महाराष्ट्र सरकार में दूसरे कोरोना संक्रमित मंत्री हैं। इससे पहले एनसीपी कोटे से मंत्री जितेंद्र आह्वाद संक्रमित हुए थे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुंबई से मराठवाड़ा स्थित अपने गृह जिले की नियमित यात्रा करते थे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कुछ दिन पहले अशोक चव्हाण को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। पहले उन्हें होम क्वारंटाइन में रखा गया था और अब नांदेड़ के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में आवास मंत्री जितेंद्र आह्वाद के भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। वो मुंबई के एक अस्पताल में दो हफ्ते से अधिक समय तक भर्ती थे और अब संक्रमण मुक्त होकर घर लौट चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र के 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मी भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बावजूद राज्य में कोरोना पर सियासत हो रही है, उद्धव ठाकरे और उनके मंत्री प्रवासी मजदूरों पर सियासत करने में लगे हैं। गौरतलब है कि देश में कोरोना से सबसे अधिक मरीज महाराष्ट्र में ही है। यहाँ कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 50,000 के पार चली गई है। राज्य में अब तक 14,600 लोग कोरोना मुक्त हुए हैं, जबकि 1635 लोगों की जान जा चुकी है। बीते दिनों सीएम उद्धव ठाकरे ने भी माना कि कोरोना के मामले अभी तेजी से बढ़ेंगे, बावजूद इसके उद्धव सरकार प्रवासी मजदूरों पर राजनीति करने में लगी है। महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों पर जारी सियासत रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उद्धव सरकार की लापरवाही से मजदूरों का बुरा हाल है। पैदल जा रहे मजदूरों के लिए सरकार न ट्रेन की व्यवस्था कर रही है और न ही बस की। अगर महाराष्ट्र सरकार कुछ कर रही है तो वो सिर्फ इन प्रवासी मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़। इस बीच अब श्रमिक ट्रेनों को लेकर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच नई बहस छिड़ गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार यात्रियों की लिस्ट ही नहीं दे रही है, ताकि ये तय हो सके कितनी ट्रेनें भेजी जाए। पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है कि हजारों मजदूरों को घर लौटने के लिए ट्रेनों का इंतजार है। महाराष्ट्र सरकार से इन्होंने यात्रियों की लिस्ट मांगी है कि ताकि कितनी ट्रेनें भेजी जाए ये तय हो सके, लेकिन अभी भी लिस्ट नहीं मिली है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने और भी कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा है कि हम महाराष्ट्र को 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है, ऐसे में आप मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को लिस्ट सौंप दें, जिससे हम ट्रेनों को वक्त पर चला सके, पहले की तरह ट्रेन को खाली न जाना पड़े। हालांकि महाराष्ट्र की कोरोना से इतने खराब हालात के बाद भी शिवसेना अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और केंद्र सरकार पर ही आरोप लगाने में जुटी है। बीते दिनों राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कोरोना को लेकर बैठक बुलाई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे उस बैठक में भी हिस्सा नहीं लिए। शिवसेना की माने तो राज्यपाल बीजेपी के एजेंट हैं। अगर ऐसे ही उद्धव ठाकरे की सरकार केंद्र से दुश्मनी मोल लेती रही तो राज्य का और भी बुरा हाल होने वाला है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद से ही उथल पुथल जारी है। पहले कमलनाथ की सरकार गिरी और उसके बाद एक एक कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि ये सिलसिला अभी लंबा चलने वाला है, क्योंकि सिंधिया समर्थकों के मुताबिक 1 जून को ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंच रहे हैं और उसके बाद कांग्रेस को और झटका लगने वाला है। चर्चा है कि सिंधिया के आने के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस के पूर्व विधायकों से लेकर कई जिला अध्यक्ष बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे से पहले कांग्रेस में खलबली मची हुई है। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले इलाके में पार्टी की कार्यकारिणी भंग कर दी है, क्योंकि पार्टी को पता है कि टूट उनके प्रभाव वाले इलाके में ही ज्यादा होगी। वहीं बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह की मौजूदगी में 200 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है और कांग्रेस अभी इसी के शोक में डूबी है। दिलचस्प बात तो यह है कि अभी सिंधिया कोरोना की वजह से एमपी में मौजूद नहीं है, तब यह हाल है।
एमपी में कांग्रेस की डामाडोल स्थिति पर पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर दूसरी चर्चा ये भी है कि इस बार वो शिवराज कैबिनेट के विस्तार के दौरान मौजूद रहेंगे। कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही शिवराज कैबिनेट का विस्तार होगा। वहीं 24 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। पार्टी के आला नेता लगातार रणनीति बनाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।